हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम ऑफ योर गुलमोहर बुक एंड द नेम ऑफ द पोएम इज टेमरिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेमरिन अ टाइप ऑफ अ ट्री दैट प्रोड्यूसेस टेमरिन फ्रूट विच इज ऑफन यूज्ड इन कुकिंग स्पेशली इन एशियन कंट्रीज ठीक है टेमरिन क्या है अ टाइप ऑफ अ ट्री एक प्रकार का पेड़ है दैट प्रोड्यूसेस टेमरिन फ्रूट जो कौन सा फल देता है टेमरिन फ्रूट देता है अब टेमरिन क्या होता है इमली यानी कि इमली का पेड़ है और जिसमें से हमें इमली मिलती है विच इज ऑफन यूज इन कुकिंग जो कि किस काम आती है अधिकतर खाना पकाने के काम आती है स्पेशली कहाँ पे एशियन कंट्रीज में जो एशियन कंट्रीज होती है वहां के लोग इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं और अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं नो बडी नोस वे आर माई टेमरेंट स्टूड यहाँ पे जो पोइट है, है मतलब बताया है नो बडी नोस वे आर माई टेमरेंट स्टूड कोई नहीं जानता की कहा गया मेरा इमली का पेड़ जो यहाँ खड़ा था जस्ट बाय विंडिंग लेन विंडिंग मीन्स होता है कर्विंग एंड ट्विस्टेड शेप जिसका शेप कैसा था मुड़ा हुआ घुमा उदार शेप था जो यहाँ गलियों में खड़ा था इन इट गेव मी फ्रूट एंड शेड एंड आई ड्रू जो हर साल मुझे फल, फूल और छाया देता था मी टू my होम अगेन और जो मुझे अपने घर वापस ले जाया करता था आई beneath टू shady boughs मुझे पसंद था उसकी छायादार डालियों के नीचे बैठना and up for a while और कुछ देर आराम करना टू गेज आउट अपॉन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स और वहां से बैठे बैठे नीली पहाड़ियों पर टकटकी लगाना विथ लाफ्टर एंड अ स्माइल एक हंसी और मुस्कुराहट के साथ एंड नाउ दैट आई एम बैक अब मैं फिर से आ, वापस आ गई। कि जो है वो अपने बचपन की बात बता रही थी कि जब मैं बचपन में थी तो वो किस तरह से पेड़ के साथ समय बिताती थी लेकिन जब वे बड़ी होकर के वापस से उसी जगह आती है तो वे कहती है अब मैं वापस आ गई हूँ आई एम एगर टू फाइंड मैं अपने उसे खोजने के लिए यानी कि जो इमलियां है या इमली का पेड़ उसे खोजने के लिए बहुत उत्सुक हूँ अगेन मेरी इमलियों के फलों को खोजने के लिए आई हैज डाउन टू दैट फेवरेट स्पॉट मुझे उस पसंदीदा जगह पर पहुंचने के लिए ठीक है आई सर्च बट सर्च इन वेन मैं खोज रही हूँ और व्यर्थ ही खोज रही हूँ देन आई स्टॉप एंड स्टे फिर मैं रुकी और मैंने देखा मैं चुपचाप खड़ी रह गई आई लिसन टू माई हार्ट और मैंने अपने दिल की बात सुनी दैट मैग्निफिसेंट ट्री दैट वॉज माई लाइफ जो शानदार पेड़ मेरा जीवन हुआ करता था हैज जस्ट बिन रिप्ट अ पार्ट अब मुझसे अलग किया गया है या काट दिया गया है आई टर्न टू दिल्स में पहाड़ियों की तरफ मुड़ी मेरी आंखें पूरी तरह आंसू से भरी हुई थी फॉर श्योर आई है ऐसा लग रहा था जैसो मेरे, जैसे मेरे शरीर से आत्मा निकल गई या मैंने अपनी आत्मा को खो दिया वेयर वंस इट स्टूड टॉल जो यहाँ पर कभी तन कर खड़े रहा करता था देयर इज नथिंग देयर नाउ अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है मैरली एम्प्टी हॉल केवल एक खाली छेद है पोएम वॉट इज दिस पोएम अबाउट दिस पोएम अबाउट द रिलेशन बिटवीन अ स्पीकर एंड टेमरेंट्री ठीक है यहाँ जो पोएम थी वो क्या बता रही थी कि किस तरह जब वो पोएट जब छोटा था उसने अपने जीवन एक पेड़ के साथ बिताया था अपनी गुड मेमोरीज टाइम स्पेंड किया था उसके साथ बातें करता था वहां से चीजों को देखता था लेकिन जब वे बड़ी हो गई और जब वे वहां पर आई तब तक उन्हें वहां पे कुछ नहीं मिला और वो पेड़ किसी ने काट दिया था होप यू अंडरस्टैंड द पोयम थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग